दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में हम लौकी के पौधे से ज़्यादा लौकी कैसे पाएं और उसकी केयर कैसे करें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रीन परी गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों आप जो सामने ये लौकी का पौधा देख रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लौकी आई हुई हैं। यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट में लौकी का पौधा लगाया हुआ है तो हम आपको बताएंगे इसकी केयर के बारे में कि सर्दियों में हमें इसकी केयर कैसे करनी है और हम इससे ज़्यादा लौकी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप जो सामने ये लौकी का पौधा देख रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लौकी आई हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने लौकी के पौधे की केयर बहुत ही अच्छी तरीके से करता हूँ। मैं समय समय पर अपने लौकी के पौधे में पानी देता हूँ, यानी कि हमें अपने लौकी के पौधे में लगभग 8 से 10 दिन बाद पानी देना है ताकि उसमें नमी बनी रहे। यदि हमारी लौकी का पौधा सूखने लगेगा तो उस पर जो लौकी आई हुई है वह भी सूखने लगेंगी और उस पर जो फूल आए हैं वह भी सूखकर जड़ने लगेंगे। तो हमें अपने लौकी के पौधे पर समय समय पर पानी देते रहना है। दूसरी बात यह है कि हमें अपने लौकी के पौधे में समय पर ही फर्टिलाइज़र देते रहना है। दोस्तों हम इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं? तो हम इसमें गोबर की खाद भी दे सकते हैं। यदि हमारे पास गोबर की खाद नहीं है तो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने लौकी के पौधे को जब लगाया था तब मैंने इसमें गोबर की खाद डाली थी, जिससे यह बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है और ज़्यादा मात्रा में लौकी आती है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने लौकी के पौधे पर अब कौन सा खाद डालता हूँ जिसकी वजह से मेरे लौकी के पौधे पर ज़्यादा मात्रा में लौकी आती हैं। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसे आप अपने लौकी के पौधे पर डाल देंगे तो आपका भी लौकी का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से लौकी देगा। आप जो सामने देख रहे हैं मैंने अपने लौकी के पौधे की 2 दिन पहले गुड़ाई कर दी थी। अब आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये मैंने लगभग 7 ग्राम जैम ले रखा है, जो हमें एक पौधे के लिए केवल 7 ग्राम ही लेना है। तो चलिए पहले मैं इस जैम को अपने पौधे के चारों तरफ डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने इस जैम को अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल दिया और हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि ये इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। चलिए अब मैं इसमें पानी डाल लेता हूँ। दोस्तों हमें लगभग 2 लीटर पानी लेना है और अपने पौधे में डाल देना है ताकि हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। तो चलिए पहले मैं इस 2 लीटर पानी को अपने पौधे में डाल लेता हूँ। दोस्तों आपको भी इसी तरह जैम लेनी है और 2 लीटर पानी लेना है। तो चलिए पहले मैं इस पानी को अपने पौधे में डाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने इस पानी को अपने लौकी के पौधे में डाल लिया है और अब हमारा लौकी का पौधा जो है वह थोड़े ही दिनों में ज़्यादा मात्रा में लौकी देगा और उस पर जो छोटी छोटी लौकी आई हुई हैं भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो करेंगी। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।